हाय गाइज एंड वेलकम टू आर चैनल झंपा एंड रैक्स। तो गाइज आज जो है डे थ्री है, हम लोग गोवा में और कल का व्लॉग एंड नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा थक गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे और कल क्योंकि बहुत ड्राइव भी किया यहाँ के, हम लोग बीच भी घूमे थोड़ा, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा थक गए थे। तो आज जो हम लोग जाने वाले हैं दूध सागर वाटरफॉल्स, जो कि यहाँ से कम 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जो है वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके आलू का पराठा आ गया, मुझे बहुत टाइम से खाने का मन था, उधर भी मैंने खाया था बट ठीक है, और खाने का मन था खाने खा लिया। और चलो खाओ, से क्या मंगाया? डोसा मंगाया मैंने, डोसा भी आ गया है। तो गाइज अभी हम लोग जो है गोवा के फेमस कोकोनट रोड पे जो है पहुंच गए, यहाँ पे अगर आप देखोगे जहाँ पे बहुत सारे लोग रुकते हैं, फोटोज निकालते हैं एंड एवरीथिंग, बहुत ही फेमस है ये रोड के साइड्स में आपको कोकोनट ट्रीज दिखेंगे, पूरे कोकोनट ट्री रोड जिसको हम लोग बोलते हैं। एक बार रुका देता हूँ। और दूध सागर वाटरफॉल जा रहे थे पर रस्ते में ये जो था कोकोनट ट्री वाला मस्त अच्छा दिखता है एकदम, और कार देख सकते हो आप कितनी मस्त लग रही है मेरी, कोकोनट ट्रीज है यहाँ पे पूरे, और बीच में जो है रोड है, लोग क्या करते बीच में खड़े रह के फोटो निकालते, बहुत ही अच्छा सीनरी आता है। तो ये एक थोड़ा सा फेमस स्पॉट है गोवा में। हाय तो गाइज अभी हम लोग अटल सेतु एंटर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बड़ा और हैंगिंग ब्रिज टाइप है गोवा का। जब मैं आई थी अकेले तब ये बन चुका था। हाँ, जहाँ वाटरफॉल है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, गवर्नमेंट की कोई जीप रहती है उसमें हम लोगों को जाना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जा रहे हैं हम लोग दूध सागर के लिए, अभी जा रहे हैं और ऐसी कोई जीप रहेगी मेरे ख्याल से। आगे हम लोग ने ऑनलाइन बुकिंग सारा चीज कम्प्लीट कर दिया है और हम लोग ने बैग भी सब कार में छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मैं बैग लेने आया। पूरा ऑफ रोड है यहाँ पे, फुल ऑफ रोड है। आजकल उंगट से तो आए सुबह से। आ गए गाइस हम लोग, अभी थोड़ा सा ट्रैकिंग करना है हम लोग को। कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा था। बहुत गाड़ी हिल रही थी ना, एक्सरसाइज हो गई पूरी। हाँ, बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। सागर क्यों नाम है मालूम है? पूरा पानी व्हाइट कलर का आता है, पहाड़ों से व्हाइट कलर का पानी आता है, इसलिए सर हम दूध सागर, दूध और सागर। और यहाँ पे उसने बोला ना जैसे चेन्नई एक्सप्रेस का शूटिंग हुआ था तो यहाँ पे हुआ था, बट यहाँ पे हुआ था। वो ट्रेन जाता है मालूम है पहाड़ों के बीच में से? हाँ, यही तो पहाड़ है। अच्छा, हो सकता है, हो सकता नहीं, यही है। मुझे तो नहीं पता, तो मैं कैसे बोलूं? ये लोग बोल रहे तो हो सकता है। अब यहाँ से कैसे जाने का? ये जो जो गाड़ी चला रहा था ना, एक तो इतना लेक्चर दे रहा था, सर दुख गया, और ऊपर से गाड़ी ऐसे चला रहा था, टाइम पास। हाँ, टाइम पास तो कर रहा था, बट वो जो लेक्चर दे रहा था मतलब वो सब समझा रहा था सब चीजें, बट इतना क्वेश्चन और इतना आंसर खुद ही दे रहा था, खुद ही बता रहा था, खुद ही सब कुछ कर रहा था। अभी बज रहा है 2, हम लोग को वापस आना है 3:30 बजे तक, वरना पेनल्टी है, अगर लेट हो गए तो ये भरेंगे पेनल्टी। और गाइस मुझे ये मंकी से डर लगता है, जो आप देख सकते हो इधर ही है, और ये ले लो आप, इधर पीछे साइड रेलवे ट्रैक दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे पीछे से ऊपर से पानी आ रहा है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक ऊपर से पानी आ रहा है। ज्यादा लोग है नहीं, चल यहाँ से, चल यहाँ से। फाइनली दूध सागर, तो गौरी यहाँ पे बैठी है,
और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सीनरी है, पूरा दूध जैसा लग रहा है पानी। अभी मैं अंदर जाऊंगा, इसको कैमरा दे दूंगा और मैं अंदर जाऊंगा। तो देखो यहाँ से ट्रेन जा रही है और ये रहे मेरे हस्बैंड। ओ सब भाई कर रहे, देखो देखो भाई। तो गाइस मेरे हस्बैंड दिखने रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। ओ ठीक है बेटा, ये रहे, मुझे लगा कहाँ खो गए करके, मैं तो डर गई बट मिल गए। सबसे मस्त एंजॉय यही कर रहे हैं। इसको बोल रहा हूँ मैं कब से आने आ रही नहीं अंदर, और मैं तो पूरा अंदर आगे तक जाकर आ चुका हूँ। हाँ ठीक है डर जल्दी मिटाएंगे, रुको। गाइस ये जो है ना ये बहुत हरामी है, ये अभी एक अंकल को मारने जा रहा था, और ये जो बैग है वो बैग को चेन खोल के ले रहा था वो बैग इस घर पे। मुझे तो नहीं आया, खैर आया, मैं तो एंजॉय कर रही थी व्यूज देखकर, सबको देखकर, इनको ज्यादा मजा आया। तो गाइस हो गया हम लोग का पूरा एक्सप्लोर यहाँ पे दूध सागर में, और हम लोग को फैमिली भी एक अच्छी मिली थी, दो दो फैमिली आई थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे दो उसमें, तो हम लोग का अच्छा खासा टाइम पास भी हो गया और मजा आया। आपको भी विजिट करना चाहिए अगर आप गोवा आते हो तो, बहुत ही बढ़िया। पक्का करना, पक्का करना, क्योंकि गोवा से एकदम अलग है, बीचेस नहीं है, ये एक एकदम अलग प्लेस है एकदम। बट गाइस कम टाइम है मगर मजा आ रहा है, मजा आता है। आई थिंक वो लोग 1.5 हाँ 1.5 घंटा हम लोग वहाँ घंटा देते हैं, बट वो पता नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता इतना मजा आ जाता है। कितने खराब है इनके नाम का रेस्टोरेंट है इधर, खराब है मतलब क्या, नाम का रेस्टोरेंट है सूरज नाम लिखा है, तो इस फैमिली है ऊपर से, फैमिली रेस्टोरेंट लिखा है। इस वजह से ये मुझे वापस से यू टर्न मार के लेके आए, बोलते चल इधर ही खाते हैं, मेरे नाम जानबूझ के मेरे को फिर से लेकर आ गए। इसको नहीं जाना था ना, इसके लिए फिर से आ गए हम लोग। गाइस कैसे बैठ सकती हूँ मैं अंदर, बहुत सारे जेंट्स लोग बैठे, आप ही बताओ मैं बैठ सकती हूँ नहीं बैठ सकती। ठीक है चल कोई बात नहीं, दूसरी जगह चले जाएंगे। और तो गाइस हम लोग वहाँ से अभी निकल के कहीं रुक रहे नहीं हम लोग, क्योंकि अभी ज्यादा लेट हो जाएगा, इसके वजह से हम लोग जो दूसरा डेस्टिनेशन है हम लोग वहाँ पहुँच रहे, तो कुछ खाया नहीं हम लोग ने अभी फिलहाल के लिए, तो उधर डायरेक्ट जाके पहुँच कर खाएंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। गाइस ये है हमारा आज का स्टे और हम लोग आए हैं, और ये है हमारा बेड है मेन रूम आज का, और ये कितने क्यूट बनाया है, आई लाइक इट। आपको कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा। ये देखो देखो गंदा करना क्या इनके आदत ही है, बाहर का है इतना ही खुलता है। ओ वाओ वेरी नाइस, ठीक है ओके बाय, अच्छा है। एंड ये देखो आलसे इंसान, थक तो गए यार, मैं भी थक गई हूँ बहुत, अभी थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो जाता है उसके बाद में मिलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं बेटल बाटीम बीच में, और वहाँ पे कुछ वो ब्लू कलर का लाइट समथिंग दिखता है, तो वैसा कुछ उधर सीन है। पहले हम लोग चेकआउट करते हैं कि क्या है यहाँ पे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे बीच पे आ गए हम लोग, अभी देखेंगे यहाँ पे कहाँ लाइट्स हम लोग को दिखते हैं छोटे छोटे, तो ये मेन चीज मैं इसको दिखाने लेके आया था। तो भूख तो लगी थी, वो सूरज होटल में रुकने वाले थे पर हम लोग देखो यहाँ रुके शैक में, मतलब ऐसे बैठे, कैंडल लाइट है तो रोमांटिक बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हम लोग जा रहे है, हम लोग जा रहे हैं अभी हमारे घर पर, और जल्दी सोएंगे और कल सुबह जल्दी उठेंगे, क्योंकि क्यों कल भी और जगह चीजें एक्सप्लोर करेंगे। सही, पीसफुल था काफी, हाँ साइलेंस था और अच्छे अच्छे गाने बज रहे थे, जूने गाने, बहुत मजा आया। और अभी हम लोग कल अच्छे अच्छे जगह पे घूमेंगे, फिर शायद परसों हम लोग जाएंगे मुंबई, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए, अब घर का खाना, घर की याद आ रही है, लग रहा है घर की याद भी आ रही है और घर का खाना खाना है, बहुत बहुत भूख।